है फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ अपने दुकान का मोबाइल। ये बडी जोन, इसलिए हमने अपना चैनल का नाम भी बडी जोन रखा हुआ है। आज हमारे पास स्टॉक में आया हुआ है सेकेंड हैंड फ़ोन में आईफोन 6 प्लस है। इसका अभी चार्ज नहीं था इसलिए इसको आपको दिखा नहीं पाऊँगा ठीक से। चलिए इसको छोड़िए, बाकी आपको दिखाता हूँ। यह आसूस का फ़ोन है, 3 GB रैम है इसमें, 32 GB है, फिंगरप्रिंट लॉक भी दिया हुआ है। ये सब ये रिफर्निश फ़ोन है तो इसलिए आपको सेकेंड हैंड अगर अच्छा दाम में चाहिए तो आप आ सकते हैं मेरे यहाँ पे बडी जोन। ये आप देख सकते हैं इस फ़ोन का फीचर, इसका सिस्टम बैकअप ये सब तो है। स्टोरेज देख लीजिए आप, 32 GB का स्टोरेज मिल रहा है, 3 GB रैम मिल रहा है। प्राइस ज़्यादा नहीं है, 4500 सिर्फ। 4500 में आपको 3 GB रैम, 32 GB फिंगरप्रिंट के साथ आसूस। इसके बाद मैं आपको दिखाना चाहूँगा सैमसंग ये J2 Pro है। ये दो पीस है अपने पास, 2 GB रैम, 16 GB है। इसका बॉक्स भी मिल जाएगा आपको, बॉक्स अपने पास रखा हुआ है। ये रहा इसका दूसरा पीस, ये है मतलब दो पीस आया हुआ है बाहर से अपना, तो दो पीस आपका स्टॉक में मिल रहा है। ये सैमसंग J2 आपका दो पीस है, ये आसूस एक पीस, ये जियोनी P7 है, ये 2 GB रैम 16 GB सिर्फ 3000 में। और सॉरी, J2 का रेट नहीं बताया था मैंने, वो 3500 करके है क्योंकि J2 Pro है वो, J2 1 से कम होता रेट, J2 Pro का हिसाब से वो रेट रखा हुआ है। फिर आपके साथ ये A37 है, ये 4500 में है, 2 GB रैम सेम 2 GB 16 GB, एक भी दाग नहीं आपका फ़ोन में देख सकते आप। इसके बाद आपको दिखाना चाहूँगा और ये Neo 7 है, ये 1 GB रैम का फ़ोन है। सॉरी, बैटरी इसमें ख़त्म ही है अभी। इसका प्राइस ज़्यादा नहीं है, इसका प्राइस आपका 2500 है। फिर आपको Realme XT 6 GB रैम है इसमें, 6 GB 64 ही है जहाँ तक मुझे याद है, आप देख सकते हैं Realme XT 6 GB 64। इसमें आपका ये फ़ोन अच्छे रेंज का है, इसका प्राइस आपको थोड़ा ज़्यादा होगा, आपको अराउंड 11000 खर्च करना पड़ेगा इस फ़ोन के लिए। इसमें ओरिजिनल चार्जर भी आपको मिल जाएगा। फिर आपका हाँ, ये आईफोन 6 है ये, इसमें आपका इसका प्राइस होगा आपके लिए 8000 to 9000 में आपको ऐसा मिल जाएगा। ऐसा अपने पास चार पीस है, एक भी डेंट नहीं है, दाग नहीं, आप देख सकते हैं। फिर आता है आपका MI Note 4, सॉरी इसका भी चार्ज नहीं किया, अभी करना पड़ेगा, 4 GB 64 सिर्फ 5000 में। फिर ये ओप्पो का है F3 Plus, सर इसका भी चार्ज खत्म है, लग तो रहा है वही 3 GB या 4 GB था, ये थोड़ा डाउट में हो, 4 GB 32 है, फिंगरप्रिंट है आपका यहाँ पे, स्केच इसमें भी नहीं है, किस केस नहीं आप देख सकते हो। और आपको कौन सा रहेगा इसमें, अभी ये हो गया, आपका ये 6 प्लस है जो आप कभी भी आए तो दिखा दूंगा मैं आपको। ये 12 से 14 हज़ार के बीच में आता है ये फ़ोन सेकेंड हैंड में, विथ चार्जर मिलेगा आपको। और इस बहुत सारे फ़ोन में इसमें से किसी में चार्जर नहीं है, रियलमी में आपको चार्जर मिलेगा, सैमसंग 1 में चार्जर मिलेगा, 1 में नहीं है, और बाकी तो आपने देख ही लिया। तो कभी भी अगर मन हो तो हमारे यहाँ विजिट कीजिए बडी जोन, ये सब प्रोडक्ट है अपना, और भी बहुत सारा है अभी, मतलब वो सब चेक नहीं हुआ, क्वालिटी चेक करने का दी हम लोग सेकेंड हैंड में डालते हैं उसे। ये दुकान है अपना, इसका व्यू आपको अंदर से तो ऐसा है, बाहर से आपको देखना होगा तो ये मेन चौक पे है, ये मेन चौक है आपका, लटाटा चौक बोलता है, मेन चौक पे ऊपर में आपका दुकान है। कभी विजिट करना हो तो आइएगा यहाँ पे,